जादू सपाटे और मार दे चल चल ये बाप ये हेलो ओए फड़ ले ये बात लव यू और दिल नहीं बनाया इसने पानीपत पाइट यूनिवर्सिटी च पाइट यूनिवर्सिटी च एक दैनिक जागरण का अवार्ड फंक्शन है इतने तुम साइड से न्यूज़ पेपर च वेखते होने फोटो आंदी हो स्क्रीनशॉट एक अवॉर्ड है तो उत्थे फॉर्म तो मैं ही फिल करता सी उन्हां दा आ गया सी बैच नंबर भी आ गया सी कि वो एंट्री आला ठीक है ना तो उत्थे चलने बेने अगे अगे की होंगे तो हले बस लैन आएगी पाइट यूनिवर्सिटी वाली बस लैन आएगी उदे जाने 8 बजे आएगी बस तो चलो ओला सारे मिल गए अपने B1 B2 वाले आ साडा प्रिंस स्पीड तो ही पूरी बस भर चुकी है ठीक है यार 2 घंटे हो गए बैठे हैं सारे साली हले तक यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचे इतने ही बैठे हैं सारे आवे पहले अवार्ड सेरेमनी होएगी फिर इतने स्टार्टअप कैरियर काउंसलिंग फिर लास्ट मिलेगा फूड हाँ सारे कूपन मिल गए ने अलग अलग तो इतने बैठे होने सारे फूड का जिन्हें भी जाना लास्ट जाए गुरशान ठीक है पहले ना वाड़ जी नॉन मेडिकल की ग्रीन हैगी इतने वो गोल्डन जी हैगी मेडिकल हाँ ठीक है भाई ठीक है कोई बात नहीं मित्र आ जाएगी यहीं पर आ जाएंगे टेंशन ना लेगा यहीं पर आ जाए कोई चक्कर नहीं एक इसका भी है ला पकड़ पीछे ये भी मेडिकल वाले ने ग्रीन मिल गया और ते ना कांदे पेने ठीक है ना ते सानू मिल गया नॉन मेडिकल वाला ते अगे हुन पता नहीं की करन गए ठीक है तक जा जा ब्रो नहीं बिंदा बैठे पीले बैच मिल चुके हैं गाइस हमें ये बैच मिल चुके हैं इस समय प्रूफ होते हैं हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं अच्छा, आपके अच्छा। सामने बहुत फिटनेस फ्रीक आ रहा है कैमरा टर्न फिटनेस फ्रीक ना मिस्टर जसकीरत आपके सामने प्रेजेंटर व्लॉगिंग करने के लिए हमारे सामने कैमरामैन है सेरेमनी होनी है रिफ्रैशमेंट लैन इतने रिफ्रैशमेंट मिलती भी है धुप बड़ी है इतने तो लाइन ही बड़ी वड्डी लगी है इतने कि रिफ्रैशमेंट मिलनी है इन्हें सारे कंटीन ही ला लो इतने रिफ्रैशमेंट कि टाइम लग जाना इतने हम लोग इतने मिलता पी मैं दो सैंडविच चक लिया उधर एक कैपी दी इन्होंने फूड कोर्ट च कूपन लै लिया साढ़े तो आ छोटी जी हैप्पी ते आ दो सैंडविच मैं लाया एक इन्हों है बाकी अद्धा अद्धा कर लाँगे वेख लाँगे इतने बैठे हाँ कल बाकी सारे क्लास च बैठे ने उत्थे आप इतने आ गए हैं फुल जासिम सेम प्रिंस भाई बोल सकता भाई मैं बोल सकता तेरे अगर हम बोल क्या कर सकता
So I do have the slips. You have to pick any one slip. Oh shit, pata nahi kya ho gaya. Bahut difficult nahi likha, don't worry. All right, so she has to pick five different styles of sounds. I don't know what kind of sounds she's going to make, but yes, she. चलिए शुरू करते हैं. कर दो स्टार्ट. म्याऊ बू बू कुत्ता. जो फर्स्ट साउंड थी वो कौन से एनिमल की थी? नकली कैट. किसकी थी? मैंने बोला कैट की थी, कहती नहीं बिल्ली की थी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट साउंड किसकी थी? डॉग. ओके, ऑल राइट, लेट्स हियर द थर्ड साउंड. डक की कर देते हैं. क्वैक क्वैक. आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? शेर. शेर की कैसी आवाज होती है? करके दिखाना. कैसे होते हैं प्रिंस भाई यार? एक्टिंग करना ही है. ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ एक्टिविटी. कोई एक्टिविटी अपने आप से करनी है, दैट यू कैन डू. वो मेरे बारे का अपना मत सारी सुनो बेटा. ओके, कैन यू प्ले? आए एवरीवन, कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज? Everyone, can we have a big round of applause? Yeah! Hi, hi. Ekup, kya? Ekup? Kisi ne Ekup naam suna hai kya? Ekup, ma'am. This is very unique for me. Ye Ekup bol rahi thi, mujhe laga Ekup, makeup, breakup, main samajh nahi bhai, what's her name? Ekup. So yes. Besti kar di. E-K-A-M. Ekam, panikam, sabkam. Everything more. So, ab gana acha ga ke dikha do. We'll prove that. So, let's welcome Ekam with a huge round of applause. Main tenu samjhava ki na tere bina lagda ji. मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा. सारी दुनिया च जाके वेख लो, उसने मुकाबला करा के वेख लो. सारी दुनिया च जाके वेख
फिर से मार चाहिए किस पे आया नैन तेरे और नैन मेरे यार मेनू कदे कदे ऐ लगदा कि तू कुड़ी आ ते मैं मुंडा ते फिर तू कह दे की कह डायलॉग आ गल ना मेरी अखा च अखा पाके कह दस ट्रॉफी पई मेरी ये बात इतने सारे लंच करते पे यहाँ पे हमें एक टेलीविजन मिला भाई अब हम जादू को फोन कर रहे हैं ठीक है जादू आ गया जादू मैं ये देखो ये सारे यहाँ बैठे हो या मैं इनको पढ़ाऊंगा ये सारे जसकीरत के बच्चे बैठे हैं पीछे ये देखो ऐसे ही पढ़ो बच्चों दिल लगा के बाकी मिलते अगली वीडियो ये पढ़ लेंगे चलने हैं राइस लगी हुई है ना आपकी कोई दिक्कत नहीं आप ऐसे चले जाओ जीरो फोर जीरो फाइव इतने जाना हूं अगे आयो आयो सानू इतने हम आप अगे चले हाँ मनकिरत भी हो गया इतने राइस ओके यस सर वो 3D इसके पहले जो हमारे पिक्चर्स थे वो कौन से थे उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं आपको कैड कैड किया इस टाइप्स के तो
तो उस पर हम क्या करते हैं, डिजाइंस बनाते हैं और डिजाइंस बनाने के बाद उसको इसे कमांड देते हैं और ये हमें प्लेन करके दे देता है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसका एक एक्सटेंशन होता है, जैसे PDF मोड PDF में, वीडियो तो MP4 में, ऑडियो तो .MP3, वैसे इसका समझ में कि लैंग्वेज .HTML बनाओगे वो लाइट इन वेट होना चाहिए। जितना आपका वेट बढ़ेगा उतना आपका फ्यूल कंजप्शन बढ़ेगा, उतना आपका चार्जेस बढ़ेंगे। तो वो जो लाइट इन वेट है उसके लिए ही ये टेक्नोलॉजी बेस्ट है। ये कैसे बेस्ट है, क्योंकि जो इसका असिस्टेंट सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ना हम सिमुलेशन करते हैं, यानी कि जो हम फिजिकली प्रिंट कर रहे हैं उसको प्रिंट करने से पहले उसको हम सिमुलेट करके देखते हैं कि भाई जो प्रिंट हमने निकाला है उसके अंदर एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी। उसका चीजें इधर तो ही बनी हुई है 3D प्रिंटर। तो सर ये भी इससे ही बना? ठीक है सर, थैंक यू सर। दूजे चलने हूँ इतने वे कहने की चीज है मंदिर भी उदू तक बने हुआ। वो ट्रॉफी भी यही प्रिंट कर रहे हैं, देख यहीं पर ट्रॉफियाँ प्रिंट हो रही है, देख खुद ही प्रिंट कर रहे हैं। आप ही ऑपरेट कर रहे हो क्या उसको? आप ऑपरेट कर रहे हो उसको, वो बार रोबोट को? आपने देखा होगा 3D ऑब्जेक्ट्स, आपने देख लिया कि आप 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। दिस इज द वन मॉडल 3D मॉडल जिसमें आपके कर सकते, जैसे आपको दिख रहा है ये 3D स्कैनर है, ये पूरे ऑब्जेक्ट को स्कैन कर पा रहा है और आप अकॉर्डिंगली इफ़ यू हैव टू मॉडिफाई समथिंग इन एनी 3D मॉडल सो यू कैन ईजिली सी द डिज़ाइन कि अगर इफ़ यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इन 3D मॉडल्स तो उसके बाद वो कैसा दिखेगा। यू कैन व्यू फ्रॉम उसमें वो है कुछ, ये एक्चुअली ये स्कैनिंग में इसमें को वो इशारा आपको दिख रहा होगा, इस पे डस्ट है। यस मैम, है ना, ये क्लियर नहीं है। ओके, चेंजेस करने के लिए कौन सी मशीन है? आप यहीं से स्कैनिंग के बाद इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। थैंक यू मैम। वो रोबोट के पास चलते चलो के उधर जाना, पहले उस पे जाना है, उस पे डोर के लगे हैं आले। आज चलो वीर, आईफिल टावर ते आ गया पेरिस किया झूठ बोलेगा दस देगी नहीं जो है वो कौन है दूजी है और की व्हील चेयर है अब तू जी झूठ है सच वाली गल नहीं आ गाइस देखो और ये वही स्केच है प्रिंस दे उठते सर इसकी फोटो निकाल ला इसकी फोटो निकाल दो और पीछे से लो सर पीछे से थोड़ी है भाई मैं थोड़ी की सर ये क्या है इधर से आप एक स्कैन कर रहे हो उसको पार्ट बाय पार्ट बनी है फिर हमने असेंबल करके लाइटिंग लगाई है और ये हमारा व्हील चेयर हो गया जो रिमोट से भी कंट्रोल हो सकता है और उसके बैठ के भी कंट्रोल हो सकता है। उसके मैगनम व्हील यूज़ किया हुआ है। ये व्हील देख रहे हैं 45 डिग्री आता है, ये जैसे आप इंग्लॉर्मल व्हील चेयर करोगे ये उसका व्हील भी मूव होता है जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे, इस ये मैगनम व्हील बस रोटेट होती है, आप जिस डायरेक्शन में कमांड दोगे उस डायरेक्शन से भी बस व्हील रोटेट होगा ये उस डायरेक्शन। ओके सर, और ये ड्रोन है, ये मेडिकल पर्पज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे बनाए थे, ये 5 kg वेट तक ये उठा सकते हो। ओके सर, सारा बोर्ड पे काम करता है। ये क्या सर? ये ब्लूटूथ स्पीकर है जिसपे आप मोबाइल वायरलेस भी चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग लाता अगे सुनने लो सर दसो सर ये बारे में ग्राइंडिंग मशीन है अगर हमें कोई भी असाइनमेंट होमवर्क बनाना है कुछ भी बनाना है स्केच बनाना है लिखना है ये बना सकते हैं। किन्ने दी आ जाती सर
कितने की आ जाती है? आदि नहीं बनाया हुआ है, नाम बनाया हुआ है, बाकी मार्केट में सेल नहीं करा आपने? मार्केट में पता नहीं, पर हम लोगों ने इसका जो सामान है ना उसको खरीदा हुआ है, फिर असेंबल किया कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, चलो सही है सर, आगे होमवर्क के लिए काम आया करेगी। और सर ये क्या है? ट्रैफिक लाइट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ट्रैफिक लाइट है, जैसे कि नंबर होता है ना वहाँ पर आप इसको बना सकते हो, इसके अंदर ग्रीन लाइट रेड लाइट इसके हिसाब से चलेगा। ओके सर, ये देखिए ये वाला एसी का बताते हैं, एसी वाला बताते हैं। और ये मिनी एसी है जो पेल्टियर मॉडल का आपको जैसे पता है। हवा तो आ रही थी सर। क्या सर? पेल्टियर मॉडल? नो सर। उसपे पकड़ने के लिए क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर आयरन एंड जंक्शन होते हैं। अगर उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं ना तो एक साइड हॉट होती है, साइड कूल होती है, कोल्ड साइड है या हॉट हॉट साइड। अगर हॉट साइड हम 35 डिग्री तक मेंटेन करेंगे ना तो आगे कोल्ड साइड चार्ज बनाना। अच्छा अच्छा। और इस पर हीट सिंक लगा हुआ है थोड़ा एरिया बनाने के लिए, फोन चक लिया आप अपना, कितना परसेंट चार्ज हो गया? अच्छा चार्ज हो गया, ओ 22% हो गया, थैंक यू थैंक यू। प्रवीण सर, ओ हो गया, ओ इधर आइयो, ओके। हेलो हेलो, हाउ आर यू? हेलो, ओए पाचोले, राम राम भाई, राम राम सारे ने बोल दे, बोल रहा बोल रहा। हेलो हेलो हेलो, और भैया कुत्ता फाइट करो, फाइट 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 करो, तो पीछे पड़ जाएगा। ओए आप पीछे पै गया, पीछे पै गया, ओ पड़ गया कुड़ियां, जवाब भाई कर दे। हेलो सारे यार, लग लो ये किसान सर माल है, ये बात दूध की खाया। हेलो मेरा हाथ मलाई है तू, हेलो आ खुद जा, ये बात। हेलो कर, हेलो ओए ये बात, नमस्ते नमस्ते, आगे आ गए, रुक गया रुक गया, ला फिर तो करना, ये बात, ये मार दे मार दे सपाटे और मार दे, चल चल, ये बात, ये हेलो, ओए पढ़ ले, ओए ये बात, लव यू और दिल नहीं बनाया इसने सपाटा। हेलो, ओए पैगा पैगा पीछे जंप है, आ जा आ जा, बॉक्सिंग करेंगे बॉक्सिंग करेंगे, ये बटन नंबर मार देना, कुकरे मारता हो तो ये बात। वन टू थ्री स्टार्ट, हेलो करे ओ चलान देने उतरो, वेखो चलान देने उत्त, चला जा ये खुद ही रोबोट है भाई, रोबोट जा सैतरी बाय बाय, आ जाओ यहाँ पर, आई एम ऑन माय वे, ओके ओके।
आइसक्रीम ला भाई पकड़ो, तीनों एंटी उसके बूट भी है, ले अपो तीन ला भाई पकड़ा दे, सबको पकड़ा दे। लो आंटी, लो आंटी जी एक आइसक्रीम पार्टी। अरे चले नहीं हुण घर घर हमारी बस, चलो चलिए गाइस हम घर आ चुके हैं। तो हम आखने एक तो आ मिली सन ट्रॉफी, आ तो मैं तुम्हें पहले विखाते सी, एक आ सर्टिफिकेट भी, तो एक आ चीज़ भी मिली सी। एक तो ना रैड रिबन लगे हुआ सी पहला, और रैड रिबन खुल गया सी, फिर ना मैं किसी का चक के आए लाता पिंक वाला, आ सही लगता वह ही उन्हें इन खोलने। डिग्री खोलना मैं, डिग्री विनर च लिखा हुआ ये जी, कंग्रेचुलेशन लिखने होना भी हमें सर्टिफिकेट है ना, एक शायद कंग्रेचुलेशन वगैरह कुछ लिखा होना, बाकी विनने वो ही निकलिया डियर स्टूडेंट कंग्रेचुलेशन। चेयरमैन द साइन ने ना डायरेक्टर द पाइप द चेयरमैन द एनसीआर कॉलेज। तो गाइस तुहानू विखाता मैं एक ट्रॉफी नाले, वो जेड़ा वो सी रिबन नाल बने होया सी, वो भी खोल के विखाता, उहदे विच कंग्रेचुलेशन लिखे होया सी, ते ना साडी जीपीएस वाले ते छोटी एक ट्रिप भी हो गई है। पिछले साल इन्हां दिनां विच आपां गए सां मनाली, ठीक है ना, लास्ट जेड़ा ट्रिप सी वो भी मैं अपलोड कीती हुई है वीडियो मनाली वालियां भी जिने, ते मतलब ला लो 15-20 जने ना आपां ਉਹਦੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਲੀ 'ਚ ਨਾ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸਾਂ ਉਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੀਲ ਆਇਆ ਬੱਸ 'ਚ। ਬਸ ਆਹ ਬੱਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੀ ਏ ਸੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਮਰੀਜ਼ 'ਤੇ 11 billion ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਬਲੋਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਵੂਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਰੋਬੋਟ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ, ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ 'ਚ, ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਗੈਸ ਕਰਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ 'ਚ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।